हार के बाद पार्टी में बवाल मचा हुआ है। पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह के बाद पूर्व विधायक विनय भगत और मोहित राम केरकट्टा ने भी पार्टी के बड़े नेताओं पर निशाना साधा। बृहस्पत सिंह ने टीएस सिंहदेव और कुमारी शैलजा को हार का जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं विनय जायसवाल ने भी टीएस सिंहदेव और प्रभारी सचिव चंदन यादव पर हार का ठीकरा फोड़ा है। पूर्व विधायक मोहित राम केरकट्टा ने पार्टी के बड़े नेताओं पर साजिश करके आदिवासी विधायकों को हरा दिया। आरोप लगाया मेरा टिकट अगर कटा तो उसका मुझे गम नहीं है। पार्टी ने अपने जिस भी क्राइटेरिया से मेरा टिकट काटा उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन अगेन जहां पर मेरे जगह पर जिसको टिकट दी गई उसको किस आधार पर टिकट दिया गया? आप बोलते हो कि 50 साल से कम के लोगों को टिकट दिया जाएगा, संगठन में जगह दिया जाएगा। एक ऐसा आदमी जो कभी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं था, का पार्टी के कार्यक्रमों में एक्टिव नहीं था, केवल और केवल टीएस सिंहदेव जी के पुराने वो दरबारी थे, कहना चाहिए दरबार के खास आदमी थे, तो उनको उस आधार पर टिकट दे दिया गया। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई वहां पर क्या और कार्यकर्ता नहीं थे कांग्रेस के? क्या और लोग नहीं थे? क्या यंग चैप नहीं थे जो कांग्रेस के ऊपर काम कर रहे थे, वो लोग नहीं थे? आखिर में उनको टिकट किस आधार पे दिया गया? सर्वे मेरा खराब था, मेरी टिकट काटी गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दरबारी को टिकट किस आधार पे दिया गया, इस बात को टीएस सिंहदेव को जी को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए ये जो भूमिका उनको जो हाईकमान ने दायित्व तो सौंपा था शैलजा जी को, वो नहीं खरे उतरी, बल्कि एक नेता को खाली प्रोजेक्ट करने में, हीरो बनाने में भूमिका निभाई। आपने देखा होगा सरगुजा प्रवास के दौरान, ये सभा के दौरान, प्रवास के दौरान सारे प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए टीएस सिंहदेव साहब गाड़ी चला रहे हैं और शैलजा मैडम हमारी प्रभारी फोटो शूट करा रही है। तो इस तरह से ये किसी हीरो को फिल्म में प्रोजेक्ट करते उस तरह से काम कर किए, और कांग्रेस को लाने की काम, कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल कैसे हो रोकना है ये काम नहीं करी की, और नहीं कांग्रेस सरकार बनाने में कोई उनकी रुचि नहीं थी। सिर्फ उनको एक था कि टीएस सिंह को कैसे डिप्टी सीएम बनाएं, कैसे सीएससी में लेके जाएं, कैसे मुख्यमंत्री बनाएं, कोई हारे जीते उनको इतनी भी चिंता नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि श्री श्री 108 सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव 94 वोटों से पराजित हो गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो है करारी हार विधानसभा चुनाव में हुई है और एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं वो अपनी मन की बात को कह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं पूर्व विधायक मोहित राम केरकट्टा, पाली तानाखार से ये विधायक रहे हैं, आदिवासी चेहरा हैं, लेकिन इस बार जो हार हुई है कांग्रेस पार्टी की उसको लेकर इनका क्या कहना है? केरकट्टा साहब, आपको क्या लगता है कांग्रेस क्यों हारी जबकि सरकार की योजनाएं तो लगभग अच्छी चल रही थी, कोई नाराजगी भी नहीं थी सरकार से? कांग्रेस की हार में सभी हमारे काफ़ी जो विश्वास पे रहे हमारे आदिवासी भाई लोग को पहले उनको षड्यंत्र शिकार के रूप में झेलना पड़ा, जिसमें अपने ही जो प्रभारी के रूप में रहे या अपने ही जो प्रदेश के सचिव के रूप में रहे, ये इनका इनके मन में पाप भरा और आदिवासियों को देखना भी नहीं चाहे कि आदिवासी फिर से चुनाव जीत के आए। टिकट काटने में भी इसकी योजना बना चुके इन लोग कि टिकट काट के अपने निजी स्वार्थ के लिए टिकट कटवा दिए, क्योंकि कांग्रेस का सरकार दोबारा फिर से बने ऐसा उनका इरादा नहीं था। आपकी भी टिकट इसी मंशा से काटी गई? मेरी टिकट बिल्कुल उसी मंशा से काटी गई जो कि मैं 2018 के चुनाव में मैंने 15 साल के पूर्व विधायक रामदल विके जी को हराया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानी दादा हीरा सिंह मरकाम जी को हराया था, और 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे सम्मानी लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी भाभी ज्योत्सना महान जी को सांसद के रूप में उसको 62,000 लीड मेरे विधानसभा पाली तानाखार से जनता दिए थे, उससे उसको जीत दिलाया था मैं, तो उसको पचा नहीं पाए हमारे वहाँ के जो प्रशांत मिश्रा जी जो है वो, और वो टिकट कटवाने में मेरा कामयाब हो गए, और जिसको जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया था मैं उसका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, डीलरशिप सिद्धार्थ दीदी का बहुत सीधा साधी और सरल स्वभाव की रही,
उस कभी झंडा नहीं उठाए थे कांग्रेस की, वो गौड़ समाज की गौड़ानाम की थी, वो झंडा नहीं उठाए थे, वो उसको टिकट दिला दिया गया। और उसने ये भी कहा बड़े नेताओं के सामने कि काला चोर को भी दे दिया जाए पालताना खर से तो भी मैं चुनाव जितवा के दूंगा, जबकि वो 5 वोट अपना खुद नहीं पा सकता, वो पार्षद नहीं बन सकता।